एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाउन की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड, उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में बाजू की डिजाइन बनाई थी वो बनके तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी है, तो आप लोग देख लीजिए। बाजू की डिजाइन बहुत ही अच्छी आई है और एकदम से पूरा ब्लाउज भी बनके तैयार है। तो चलिए इसे अब रखते हैं साइड। अब ये रहा वो कपड़ा जिसकी बनाने वाले हैं हम गाउन। इसकी कटिंग की वीडियो फ्रेंड हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड इसी तरीके से आपको पट्टी लगा लेनी है ऊपर का पार्ट तैयार करने के लिए। अब इस पे लगा लेते हैं सिलाई। तो इसे इसी तरीके से मोड़कर और ऊपर से सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं पहले। फ्रेंड इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें पलट कर भी इसी तरीके से सिल देना है। तो चलिए जल्दी सिल लेते हैं। सिलाई लगने के बाद हम इसे बीच से आधा आधा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लगाने हैं निशान। तो यहाँ पर हमें निशान के लिए हमने 4 इंची लगाना है। 4 इंची पर हमें निशान लगा लेना है और उसके बाद इस निशान से ऊपर की साइड तिरछा करके लगाना है और नीचे बिल्कुल सीधा करके लगा देना है। फ्रेंड अब निशान तो लग चुके हैं, अब हमें करना क्या है, इसे पलट के दूसरी साइड रख लेना है। इसी तरीके से आप लोग भी रख लीजिए और रखने के बाद सही से पहले मिला लीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा दबाकर छाप लीजिए। अब हमारा जो निशान हमने लगाया था वो दूसरी तरफ भी छिप गया है और हम इस पे कर लेंगे ड्रॉ कर लेंगे। इस पर भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारा थोड़ा भद्दा हो गया है। उसके बाद फ्रेंड हमें इसी लाइन पर सिलाई लगानी है और इसे राउंड राउंड में लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लग रही है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा राउंड राउंड ही लगाना है, क्योंकि बीच में थोड़ा कम दाबना है और साइड में थोड़ा ज़्यादा दाबना है, क्योंकि हमारी प्लेटें सही से बैठ जाएं। फ्रेंड इसी तरीके से आप लोगों को यहीं पर थोड़ा ज़्यादा दाबना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी प्लेट हैं वो सही से बैठ जाएंगी। तो गाइस एक प्लेट हमारी लग के तैयार है। इसी तरीके से लगा लेनी है, उसके बाद दूसरी प्लेट भी हम लगाएंगे। तो चलिए दूसरी प्लेट भी हम लगा लेते हैं। दूसरी प्लेट भी हमारी लग के तैयार है। तो गाइज इसी तरीके से आप लोगों को राउंड में ही लगानी है सिलाई और उसके बाद आप लोगों का काम है। तो अब मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को पहले अटैच करेंगे। तो चलिए पहले शोल्डर अटैच कर लेते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा कपड़ा खोल के रखा है और जो पट्टी लगाई थी वो हमने थोड़ी सी खोल के पहले से ही रखी है। तो आप लोगों को भी ये करना है और यहीं पर हम इसी पर अटैच कर देंगे। जो हमने शोल्डर अटैच किया था वो देख लीजिए आप लोग, जो अस्तर वाला कपड़ा था वो दूसरी साइड है। इसे हम इस तरीके से पलट के और सिलाई लगा देंगे। अब दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बाजू तैयार कर लेते हैं। तो बाजू के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे, आधी इंच से भी कम, और 1.5 इंची हम दबा के सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें बनानी है चौड़ी पट्टी वाली बाजू। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से बाजू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बाजू बनेंगी और अपनी पसंद की बाजू के लिए कमेंट करें। तो फ्रेंड हमने
दोनों बाजू बनाकर तैयार रख ली हैं। अब हम इन बाजू को अटैच करेंगे, तो चलिए अटैच करते हैं। बाजू अटैच हो रही है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता है, आप लोग भूल जाते हैं। अब चलिए इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। हमने बाजू के लिए 5 इंची पे निशान लगाया है, क्योंकि 10 इंची की हमारी बाजू थी, उसका हाफ होता है 5। अब इसे कर लेते हैं सीधा। ऊपर का पार्ट हमारा पूरा तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हमें इसकी कली अटैच कर लेते हैं आपस में। तो चलिए, तो गाइज हमने गाउन के लिए 8 कली सिलेक्ट की हैं, तो बारी बारी से हम एक एक कली जोड़ लेंगे। एक के ऊपर एक रखे हम अभी अटैच कर लेंगे। इस बात का बेहद ध्यान रखना है, एक कली सीधी और एक कली तिरछी हमें अटैच करनी है। इसी तरीके से हमें बाकी की कली भी अटैच करनी है। यहाँ पर हमें कली अटैच करनी, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम खोल लेंगे, क्योंकि हमने पूरा सा बंद करके रख दिया था। अब ये रही हमारी वो कलियाँ, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो पहले हम एक कली को सेट करेंगे, चलिए सेट कर लेते हैं। इस तरीके से खोलकर ही आप लोग अटैच करें, इसमें आसान तरीके से लग जाती हैं। तो चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं। अब फ्रेंड हम दूसरी कली भी अटैच कर लेंगे, तो दूसरी कली भी अटैच कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे इस पर सिलाई। फ्रेंड इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई हमारी लगने के बाद, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा रखी है। अब जो कली थी हमारी वो एक लेवल कर देंगे, सारी कली, एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सारा का सारा हम काट देंगे। चलिए हम काट लेते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे अब किनारे पर सिलाई। एक एक इंची हमें कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास पहुंच जाएं जब हम वीडियो डालें। तो फ्रेंड अब हम सिलाई लगाने के बाद डोरी फिट करेंगे, तो डोरी फिट कर लेते हैं। अब हमारी गाउन बनके तैयार है। बोलो कैसी लगी, कमेंट करो, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को। हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।